हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस आर वेल। गाइस, आज की वीडियो विच अपन पेपर सेकंड करांगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2011 का ते सीडीपी ते 30 क्वेश्चन इस विच अपन कवर करांगे। अगर तुसी भी पीटेट का एग्जाम देना बाद दिसंबर दे विच ते सीडीपी दे विच पूरे नंबर लेना चाहते हो तो ये वीडियो तुहाडे लई है, लास्ट तक जरूर देखना। इस दे नाल ही चैनल सब्सक्राइब करना तां जो लेटेस्ट वीडियो तुहानू मिल जाए। देखिए गाइस, फर्स्ट अपन स्टार्ट करदे एमसीक्यू नंबर 1। विकास परिपेक्ष समय के नाल किस विच वापरदे परिवर्तन नाल संबंधित है। सही ऑप्शन की है जी, वैसे तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सारे, तो कि हो सकते हैं रूप मुल अनुक्रम, तो ये उपरोक्त सारे फर्स्ट ऑप्शन की है करैक्ट है। अगे सैकेंड अपना एमसीक्यूज, नवे मौलिक और उपयोगी विचार या धारणा पैदा करने निहित चिंतन प्रक्रिया की आख्या जाता है। सही ऑप्शन की है जी, रचनात्मकता। नैक्सट नंबर 3, मापिया तो बच्चों तक गुणा के संचार आखते हैं कि कहते हैं विरासत। नैक्सट नंबर 4, सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास दी चार अवस्थावां की पहचान करता है, संवेदी मोटर, पूर्व संचालक, स्थूल संचालक या फिर औपचारिक संचालक। सही ऑप्शन की है जी, जिहड़ी ये मान के चलो ऑप्शन दित्तिया हुई सी जिन्हें कहे हुए ने जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जिहड़ी ये चीज अपने को लिखी हुई है वर्डिंग रुकावट बनता है। नंबर डी ऑप्शन की है जी करेक्ट। ये जो वीडियो जस्ट एक इनफॉर्मेशन लिए है कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन विच सॉरी एग्जाम दे विच क्वेश्चन का जो पैटर्न है या फिर क्वेश्चन का जो लेवल है केड़े किस तरीके ना आना, तो इसके अकॉर्डिंग तुसी अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। नंबर 6, बुद्धि का केड़ा सिद्धांत सधारण बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की मौजूदगी की वकालत करता है। सही ऑप्शन की है जी, स्पीयरमैन का दो कार्जी सिद्धांत। नंबर 7, बिंब धारनावां प्रतीक और चिन्ह भाषा शरीरक गतिविधियां और दिमागी कार्य किस विच निहित हैं। सही ऑप्शन की है जी, डी चिंतित प्रक्रिया। ऑप्शन 8, केड़ा सिक्ख्या प्राप्ति घटना का तत् नहीं है। सही ऑप्शन की है जी, अध्यापन। नैक्सट नंबर 9, केड़े सिद्धांत की यह घटना है कि विभार नू अनुक्रमित निकटता अते इच्छित विभार दे अति निकट प्रतिक्रियावां दे दृढ़ीकरण राही टालिया जा सकता है। नंबर 9 दे सही ऑप्शन की है जी, अपने को चेक करते हैं, सी सक्रिय अनुकूलन। नैक्सट नंबर 10, वह क्रिया प्रक्रिया जिस राही मापे मन लेंदे हन कि उन्होंने बच्चे दी सारी विशेषतावां सकारात्मक हैं क्योंकि ये विशेषतावां सकारात्मक है नू आखते हैं। की आखते हैं जी, परिपेक प्रभाव। नैक्सट नंबर 11, रमेश अते अंकित दा 120 दा समान आईक्यू है। नैक्सट, रमेश अंकित तो 2 साल छोटा है। जे अंकित की उम्र 12 साल है तो रमेश की मानसिक उम्र है, तो ये अपने को जो लाइक क्वेश्चन है ये अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर देना। सही ऑप्शन किया जी, 12 साल। नैक्सट नंबर 12, केड़ी विशेष चर की उदाहरण नहीं है उम्र। नैक्सट नंबर 13, प्रयोगों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का उपयुक्त रूप है कि है जी, निरीक्षण। नैक्सट, निर्देशों दौरान सीखने की प्रकृति मॉनिटर करने की वरती जाती मूल्यांकन की किस्म की आखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। नैक्सट नंबर 15, निबंध रूपी प्रेषण की बेहतर मदद केड़ी होंगी है, सॉरी बेहतर मद केड़ी है। सही ऑप्शन है बी, न्यूटन के गति के 3 नियमों में हरेक की व्याख्या करो। नैक्सट नंबर 16, विशेष बच्चों नू सिक्ख्या की लोड़ है, यह सिक्ख्या किहड़ी किस्म है, किहड़ी किस्म दी है जी, नियोक्तावां वाले व्यक्तियों नू दित्ती जांदी है। नैक्सट नंबर 17, किहड़ा संकेत बच्चे दी नज़रां दीआं समस्या वल इशारा नहीं करदा। सही ऑप्शन है ए, हिदायत दा पालन करन विच कठिनाई। नैक्सट आपां देखदे हां जी नंबर 18, एमसीक्यूज नंबर 18, बोलन दे विकार वाले बच्चों की किस तरह सहायता की जा सकती है। सही ऑप्शन की है जी ए, उन्होंने जमात विच विचार प्रकट करने लिए उत्साहित करना। नैक्सट नंबर 19, प्रबुद्ध बच्चा की हुंदा जी, इहदे विच सही ऑप्शन सारी ने, तेजी नाल अते सौखी तरह सीखता है, जो कुछ उसने सुनिया जां पढ़िया हुंदा है वह बहुत उसनू बहुत रट्टे की मशक तो बिना याद हो जाता है, बहुते चीजें नू तर्क ते परखदा है या फिर उपरोक्त सारे। सही ऑप्शन की है जी, उपरोक्त सारे। नैक्सट नंबर 20 एमसीक्यूज, मंद सिख्यार्थी जिन्हां दीआं सिख्यात्मक प्राप्तियां उन्हां दीआं प्रकृतिक योग्यतावां तों घट हन उन्हां नूं आख्या जांदा है। सही ऑप्शन है ए, पिछड़े होए। नैक्सट नंबर 21, जमात विच प्रभावकारी लैक्चर दिंदिया होया अध्यापक की हुंदा। नंबर 20, अर्थपूर्ण
संगता का प्रयोग करता है। नंबर 22 उस माध्यम दी उदाहरण जेड़ा सिखियार्थी नूं देखण योग रिपोर्टरां दे साधनां राहीं दूरवर्ती थावां ते लै जांदा है। सही ऑप्शन की है ए सिखियार्थी टैलीविजन। नेक्स्ट नंबर 23 विद्यार्थियों नाल संचार दा मतलब है कि अज विचार वटांदरा। नेक्स्ट नंबर 24 देखदे हां जी, चेक आउट करदे हां, एक कौशल सीखण दी पहली अवस्था है। सही ऑप्शन की है जी डी अनुकरण। नेक्स्ट 25 केड़ी स्थूल धारणा दी उदाहरण नहीं है। सही ऑप्शन की है जी योग्यता। 26 पढ़ने दी तकनीक जिस दी वरतों अनुक्रमणिका या फिर सम अर्थकोश विच पता अते संदर्भ लभण वास्ते कीते जावेगी उसनूं आखदे हन की कहंदे ने स्कैनिंग। नेक्स्ट 27 अभिप्रेरण लोड़ां तों शुरू हुंदा है जिहड़ा साडे सारिआं विच विद्यमान है, जिस लोड़ नूं विद्यार्थी सब तो पहला पूरी करनी चाहेगा, उसका संबंध किस नाल है। सही की है जो ऑप्शन शरीरक। नेक्स्ट 28 जमात विच विषय दा परिचय देने लिए अध्यापकां नूं पहली गतिविधि की करनी चाहिए है, तर्क आधार दी व्याख्या करना। नेक्स्ट 29 सो दृढ़ीकरण दी उदाहरण केड़ी है। सही ऑप्शन की है जी सुनीति, तुसी ठीक की कहा है। ये जिहड़ा मन के चलो अपन बात आ ये सही उदाहरण आ, सुनीति तुसी ठीक ही कहा है। 30 MCQs बच्चियां विच स्वयं अध्ययन दी आदत किस तरह विकसित की जा सकती है। सही ऑप्शन क्या जी नवा साहित्य उपलब्ध करवा के। तो ये 30 जो MCQs ने 30 सी अपने को CDP एग्जाम थोड़ा 2 दे जे कि अपन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर से 11 दे वो कवर कीते ने। अगर तुसी इदी PDF लेना चाहंदे हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकदे हो, लिंक तुहानू वीडियो दे डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा। जे वीडियो वधिया लगी वीडियो नूं लाइक करियो, चैनल नूं सब्सक्राइब करियो, ऐदे प्रीवियस ईयर दी न्यू होर वीडियोस लैण लई। थैंक यू।